हेलो, कैसे हैं सब? मैं ठीक हूँ। आज मैं डेली ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, आज मैं मेरा किचन दिखाऊंगी। मुझे बहुत पहले कुछ लोगों ने लिखा था, दीदी आपका किचन बहुत अच्छा है, तो वो देख देख के ना मुझे अच्छा लगा तो मेरा किचन अच्छा है। तो आज मेरा किचन का पूरा डिजाइन दिखाऊंगी मैं, और एंड तक बने रहो। मेरा कितना खर्च आया था, कितना प्राइस, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? तो चलो मेरा किचन पहले देख लो, उसके बाद बात करती हूँ। मेरा किचन ग्रीन और येलो कलर से मैंने बनाया। बहुत कलर, मतलब बहुत वैरायटी था, तो मुझे ये कलर थोड़ा अनकॉमन लगा, क्योंकि ज्यादातर व्हाइट, ऑरेंज, रेड, व्हाइट ऐसे ही बहुत है, तो मुझे इसीलिए येलो और ग्रीन अच्छा लगा। पैरेट ग्रीन है ये पैरेट ग्रीन है। तो मैं मेरा पहले ऊपर का सेल्फ दिखाती हूँ। ऊपर ऊपर का ना सेल्फ नहीं है, अंदर ये पूरा स्टोरेज है मेरा। अंदर पूरा मेरा एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा सामान जितना है सब मैं ऊपर स्टोर करती हूँ। इसके अंदर कोई सेल्फ नहीं है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो कोई सेल्फ नहीं है इसके अंदर। पूरा मेरा एक्स्ट्रा सामान जितना वो मैं इधर स्टोर करती हूँ, पूरा अंदर से पूरा खाली है, सिर्फ ऊपर से ये है। अभी इसके नीचे में जो है ये दिखाती हूँ। ये देखो मेरा कांच का है, दोनों साइड मेरा कांच का है, और ये मैंने प्लेन रखा। ये इसमें क्रॉकरीज है मेरा, और ग्लास है कांच का जितना, ये सब रखती हूँ मैं इधर। और इसमें ऊपर मेरा बर्तन है, डेली यूज का है, और इधर जो चाहिए मेरा डिब्बा सब ये रखती हूँ। और ये इसमें मैं मेरा ऑयल, दोनों ऑयल, घी, सब ऊपर खाली डब्बा जितना टिफिन बॉक्स रहता है बड़ा वाला, वो सब मैं रखती हूँ। ये भी कांच का है, ये हो गया। और इधर तेल क्यों रखती हूँ, मेरा गैस स्टोव उसके नीचे ही है, इसीलिए अभी इधर से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये जो मेरा ये तीन ड्रायर है, तीन तीन छः, और इधर है तीन, नौ ड्रायर है, और तीन बड़ा वाला ड्रायर है। तो नीचे का ड्रायर ये देखो, ये मेरा स्टील का है अंदर, ये मेरा स्टील का है, इसके अंदर मेरा जितना बड़ा वाला डिब्बा वो रखती हूँ। ये देखो स्टील का है, इसमें मेरा जो ऐसे बहुत छोटा डिब्बा नहीं है, ये रखती हूँ मैं। और ये थोड़ा छोटा है, इसमें मैं टिफिन बॉक्स, छोटा डब्बा ये सब रखती हूँ। ये भी सेम है, ये देखो स्टील का है, ये इसमें मेरा चावल है, आटा है, शुगर है, सब भारी भारी चीज। और बड़ा वाला इसमें स्टोरेज है, ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है मेरा डिब्बा नहीं है तो इधर मैं स्टोर करती हूँ। इधर पूरा मसाला है मेरा, जितना किचन में चाहिए होता है सभी मसाला का डिब्बा मेरा इधर है। ये हो गया। अभी इसमें मेरा गैस सिलेंडर है, सिलेंडर है इसमें, और जो एक्स्ट्रा बर्तन होता है वो सब मैं रख देती हूँ इसमें। एक्स्ट्रा बर्तन ये सामने रख देती हूँ। अभी मैं ये दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मेरा कांच का जितना बाउल है, कप्स है, सब मैं इधर रखती हूँ। और अभी इसके नीचे ये
ये देखो स्टील का है, ये सब ये किया हुआ है। इसके अंदर मेरा बर्तन सब रखती हूँ मैं, जितना बर्तन ट्रे वगैरह सब कुछ। इसमें मेरा छोटा सा प्लेट रहता है, बर्तन रहता है बड़ा वाला, ये सब इसमें रखती हूँ। इसमें मेरा जितना चम्मच, जो खाना बनाने के लिए जितना सामान चाहिए होता है सभी मैं इसमें रखती हूँ। ये हो गया और ये पूरा खाली है। इसके अंदर बेसिन सिंक का मेरा पाइप गया और मैं इधर मेरा डस्टबिन रख देती हूँ, इसीलिए अंदर और कुछ नहीं है। ये हो गया मेरा पूरा किचन इस तरफ का। और इधर मेरा एक खाली स्पेस था, ये थोड़ा आगे है, इसीलिए मैं ये फ्रीज रखने के लिए यूज करती हूँ, वो थोड़ा सा आगे है इधर। और मेरा इधर एक सेल्फ है, इसी का एक सेल्फ है, वो सेल्फ के ऊपर मैं माइक्रोवेव रखती हूँ और नीचे मेरा ओटीजी है। उसके बाजू में मेरा कलश है, तो इसका पानी मैं, ये मेरा मिट्टी का, देखो इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का जार, या इसके सामने ना टैप भी है, तो इसमें रखती हूँ। अभी गर्मी भी बहुत है ना, तो पानी बहुत ठंडा रहता है। और मुझे डॉक्टर ने फ्रिज का पानी पीने के लिए बहुत पहले ही मना कर दिया था, साइनस का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है और फ्रिज का पानी पीना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये मिट्टी का इसमें पानी रखती हूँ। फिर ये खत्म हो जाते तो फिर उधर से इसमें डाल देती हूँ, इसीलिए ये इधर रखा है। आप लोग सोचते होंगे इधर क्यों रखा है। और अभी मेरा इधर गैस है, गैस स्टोव है, गैस स्टोव के ऊपर मेरा चिमनी है, मेरा कुचिना का चिमनी है। और ठीक इधर मेरा टैप है, और मतलब सिंक है, सिंक के ऊपर मेरा वाटर प्यूरिफायर है। ड्राई बेल्कनी है, छोटा सा ड्राई बेल्कनी है, इसमें मैं वॉशिंग मशीन रख दिया। और ये बर्तन मैं उधर धोती हूँ, धो के फिर सुखाने के लिए इधर रख देती हूँ, फिर जाके मैं मेरा ड्रायर में रख दूंगी। ये मेरा फुल किचन है। और अभी किचन का मैं बताऊंगी मैंने कब किया, कितना में किया, सब कुछ मैं डिटेल में आती। तो ये मेरा अच्छा लगा मुझे, ये ब्रांडेड नहीं है लेकिन अच्छा है, फिनिशिंग भी अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा लोकल कारपेंटर से मैंने बनाया इधर, वो दिखाती हूँ पूरा इस टाइप का। मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही किया, मतलब कोशिश किया करने के लिए जो इसके साथ मैच हो जाए, लेकिन फिनिशिंग ना इतना अच्छा नहीं आया। तो चलो इधर दिखाती हूँ, ये मैंने लोकल कारपेंटर से बनाया। ये बनाने के बाद इधर जगह खाली रह गया था, तो मैं सोचा इधर लोकल कारपेंटर से एक बना लेती हूँ, कम खर्च होगा, तो इस वजह से मैंने ये बनाया। लेकिन इसका फिनिशिंग देखो, फिनिशिंग अच्छा नहीं आया, उसका जैसे फिनिशिंग वो इतना अच्छा नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम नहीं, इधर तो पानी नहीं गिरेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पसंद नहीं आया मुझे ज्यादा। लेकिन बहुत हेवी है, वेट में बहुत हेवी है ये, उससे वो बहुत हल्का है वेट में। और इसके अंदर मैं ऊपर कॉपरीज रखती हूँ मेरा, और इधर मेरा ग्रोसरी का सामान रखती हूँ, इधर मेरा स्पून का स्टैंड है, और नीचे भी ग्रोसरी, नीचे का भी देखो ग्रोसरी है, ये सब मैं इधर रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब रखती हूँ। लेकिन इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आया, जो इसका फिनिशिंग अच्छा आया है, इसका जो फिनिशिंग है वो जितना अच्छा आया ये इतना अच्छा नहीं आया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लोकल कारपेंटर के पास जाओ, लेकिन एक बार सर्वे कर लो मार्केट। और मैं इसके दोनों के बीच में ये मेरा सब्जी का ये स्टैंड रखा, इसके ऊपर पानी का मैंने दिखाया, मैंने पानी का ये रखा। तो ये है मेरा किचन, तो ये मेरा पूरा ये जो इस साइड का जो है किचन का, जो मैंने इधर एक शॉप से बनवाया, मतलब उन्होंने ना मेजरमेंट लेके
चले गए। फिर 7 दिन के बाद उन्होंने ये आके इधर आके सिर्फ सेट कर दिया। सेट करने में हार्डली 1.5 से 2 घंटा लगा, क्योंकि पूरा ये उन लोगों ना बोला कंपनी में भेजेंगे, उधर से पूरा लेमिनेशन होके फिर आता है उनके दुकान में। तो आके मेरे इधर कोई झंझट नहीं है, ये तो अच्छा है। और इधर का जो लोकल कारपेंटर से मैंने बनाया ये सिर्फ मुझे 10,000 पूरा दोनों मिला के मुझे 10,000 पड़ा। ये कलर मैंने चूज कर दिया क्योंकि मेरा इसके साथ मैचिंग करना था, इसीलिए तो 10,000 ये पड़ा। लेकिन इससे अच्छा मुझे ये लगा। तो आप लोग अभी देखो, सर्वे करो, कहीं पे भी करो, बनाओ किचन का पूरा मॉड्यूलर किचन। तो मतलब थोड़ा सर्वे करके फिर ये किचन कैसा लगा आप लोगों को पहले ये बताओ। मेरा किचन ये 4 साल के ऊपर हो गया बनाया 4 साल के ऊपर। तो उस टाइम ना मैं दो तीन ब्रांडेड कंपनी को फोन किया, उन्होंने आके मेजरमेंट लिया था, लेकिन उनका बजट बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद इधर जो लोकल कारपेंटर होता है उनसे भी बात किया, उनका बजट भी बहुत ही कम था। वाटर प्रूफ ही रहेगा वो जो मेरा प्लाई, लेकिन उसके ऊपर सनमाइका लगा के देंगे। लेकिन मेरा इधर लोकल एक दुकान में उनका ब्रांडेड भी नहीं है और बिल्कुल ऐसे सस्ता वाला भी नहीं है, बीच का है। तो उन्होंने पूरा लैमिनेशन करके मुझे दिया पूरा। देखो इधर पूरा लैमिनेशन है, इधर दिखो आप, इधर समझ में आएगा, पूरा लैमिनेशन है, कोई मतलब ये जॉइंट नहीं है, पूरा एक साथ कवर हो गया। तो और बिल्कुल वाटरप्रूफ है, मैं पानी से धो सकती हूँ, ऐसे टाइप का है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, 4 साल हो गया, अभी भी पूरा मतलब जैसा बनाया था वैसा ही है। मुझे साफ करना पड़ता है बस, नहीं साफ करेंगे तो अभी जैसे बहुत दिन से 10 दिन हो गया अभी तक साफ नहीं किया, इस टाइप का। तो अच्छा है मतलब, लेकिन ये मुझे कितना खर्चा था उस टाइम, आज से 4 साल पहले मुझे ये 60,000 में हो गया था। मेरा 10x7 का है मेरा किचन, तो उस हिसाब से मेरा कंपनी वाला ही है, मतलब कंपनी का जैसा ही मुझे पूरा फिनिशिंग मिला। ये देखो ऐसे पूरा लॉक नहीं हो, मतलब टाइट नहीं हो जाता, जो लोकल कारपेंटर से बनाते हो ना वो थोड़ा टाइट ऐसे ऐसे घिस के आपको देना पड़ता है। ये मेरा ऐसे नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल आप अंदर दे सकते हो। ये मेरा एक मतलब फायदा है, मेरे लिए प्रॉफिट है। तो आप लोग जो नया किचन बनाओगे एक बार आप सर्वे करो, अच्छे वाला भी देखो, लोकल कारपेंटर भी देखो, वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं, उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो मुझे अभी शायद उनका ये और ज्यादा अच्छा हो गया, अभी शायद ऐसे ही बना के देंगे, लेकिन मेरा 4 साढ़े 4 साल पहले ऐसा नहीं था। वो वाटर प्रूफ भी दे रहे थे लेकिन उसके ऊपर सनमाइका का जो जॉइंट वो दिख रहा था। इसमें जैसे मेरा पूरा लगता है कोई अच्छा वाला कंपनी का मेरा किचन है। तो इस हिसाब से मेरा 60,000 लगा था उस टाइम, तो मैं हैप्पी हूँ। तो आप बताओ कैसा लगा मेरा किचन, मैं प्रॉफिट मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं, आप लोग और क्या एक्सपेक्ट करते हो तो मुझे प्लीज बताओ। और मेरा जो माइक्रोवेव है, मेरा OTG है, फिर मेरा चिमनी, गैस स्टोव, मैं सब खुद साफ करती हूँ। कैसे साफ करती हूँ, क्या साफ करती हूँ, किस वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो वो सब जानना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक एक करके नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।